नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। बात करेंगे यूपी से बड़ी खबर की। सोमवार से शनिवार तक सुबह 8 से रात 10 बजे तक सारी पाबंदियां हुई समाप्त, सिर्फ रविवार को रहेगा लॉकडाउन। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, चट्टाने गिरने से 10 लोगों की हुई मृत्यु, 14 घायल, रेस्क्यू अभियान है जारी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, संभल में कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में दंपति और उनके दो मासूम बेटों समेत 5 की हुई मृत्यु। राजस्थान से बड़ी खबर, भीलवाड़ा में पत्थर की खदान ढही, 3 महिलाओं समेत 7 की मृत्यु होने की करी गई है आशंका। उत्तर प्रदेश से खबर, 1 सितंबर से खुलेंगे कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल, कोचिंग संस्थाओं को भी मिली है अनुमति। बात राजस्थान के धौलपुर की, सोलाखंभा जेल रोड पर एक गौवंश जो कि कुएं में गिरा, इसको बचाने के लिए गौ सेवकों ने लगा दी अपनी जान की बाजी, पूरे क्षेत्र में हुई प्रशंसा, रेस्क्यू अभियान रहा सफल। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से खबर, गौ सदन नैना देवी कुठेड़ा की बैठक हुई संपन्न, SDM घुमारवीं राजीव ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में करी शिरकत, उपस्थित रहे काफी सारे लोग। राजस्थान के जोधपुर से खबर, बासनी गली नंबर 8 में एक फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की करीब आधा दर्जन गाड़ियां पहुंची मौके पर, जैसे तैसे किया गया आग पर काबू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से खबर, सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से जिला कुल्लू में किया जाएगा वृक्षारोपण, 2 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे भारत वर्ष में विशाल वृक्षारोपण अभियान किया गया है आरंभ। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद से खबर, तंबाकू मालिक ने पकड़ी डुप्लीकेट तंबाकू, चक्र छाप तंबाकू नकली बेच रहा था दुकानदार, कोतवाली कायमगंज क्षेत्र का यह बड़ा मामला आया सामने। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से खबर, शांति सेवा समिति ने दुर्गा मंदिर परनाल में बांटे अमरूद के पौधे, उपस्थित रहे काफी सारे लोग। बिलासपुर से एक अगली खबर, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ सहकारी शिक्षा परियोजना बिलासपुर ने बागी गांव में चलाया प्रशिक्षण शिविर, लोगों को किया प्रशिक्षित। सीधा रुख करेंगे झारखंड के लातेहार की तरफ, डायन कुप्रथा के खिलाफ JSLPS ने चलाया जागरूकता अभियान, 5 सालों में 4,000 से ज्यादा केस इस कुप्रथा के खिलाफ हुए हैं दर्ज। विश्व डायन कुप्रथा प्रतिषेध दिवस के अवसर पर कोलेबिरा प्रखंड सभागार में जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन, उपस्थित रहे NIRDA के सभी सदस्य व कर्मचारीगण, कार्यक्रम प्रबंधक ने भी रखा है अपना वक्तव्य। फरुखाबाद से बड़ी खबर, बड़ा हादसा होने से टला, जर्जर पुल सड़क के बीचों बीच गिरा, नहीं हुआ कोई भी हादसा, मऊ दरवाजा क्षेत्र के बेबीगंज चौकी के पास का यह बड़ा मामला आया सामने। उत्तर प्रदेश के इटावा से खबर, शास्त्री चौराहे पर नो एंट्री का स्थान जाएगा बदला, व्यापार मंडल ने SCCT को सौंपा ज्ञापन, नो एंट्री की वजह से रेलवे रोड का व्यापार हुआ है चौपट। उत्तर प्रदेश के इटावा से खबर, जनपद में यमुना एवं चंबल नदी के बढ़े जलस्तर के कारण आई बाढ़ में यमुना एवं चंबल नदी के किनारे बसे गांव के लोग हुए हैं प्रभावित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह के निर्देशन में गांव गांव घर घर जाकर किया गया दौरा। उत्तर प्रदेश के आगरा से खबर, तेहरा के पास दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने मारी डंपर को टक्कर, ड्राइवर को आई गंभीर चोटें। फरुखाबाद के कमालगंज रेलवे स्टेशन के आउटर का मामला, कानपुर कासगंज रेलवे मार्ग हुआ अवरुद्ध, कासगंज एक्सप्रेस का इलेक्ट्रिक इंजन का हैंडल टूटा। फरुखाबाद से खबर, थाना राजेपुर क्षेत्र के रामगंगा पुल का मामला, बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, टक्कर लगने से एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल और एक की हुई घटनास्थल पर ही मृत्यु। राजस्थान के धौलपुर से खबर, 10 अगस्त अध्यापक व खेल कमेंट्रेटर स्वर्गीय अब्दुल सगीर की द्वितीय पुण्यतिथि पर शिक्षकों का खेल प्रेमियों ने स्कूल प्रबंधन की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन, उपस्थित रहे काफी सारे शिक्षक लोग। बात करेंगे उड़ीसा की, ब्रह्मपुर सबुज वाहिनी तथा इसाडेश्वर पाठागार की तरफ से वृक्षारोपण के साथ मरकतेश्वर पहाड़ पर 1000 बीज रोपने का किया गया कार्यक्रम, उपस्थित रहे काफी सारे लोग। बात करेंगे उड़ीसा के भुवन की, मीराबाई कला विकास केंद्र भुवन में मेरा संस्कृति विकास कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर, उड़ीसा के कंधमाल जिला उदयगिरी क्षेत्र से जहां बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर कुल्हाड़ी से मारा, घटनास्थल पर ही हुई मृत्यु। ब्रह्मपुर से खबर, लघु खनिज पदार्थ बालू तथा अन्य चीजों का परिवहन करने को लेकर ट्रैक्टरों से जुर्माना वसूल किए जाने को लेकर ट्रैक्टर मालिक संघ में दिखा असंतोष, दिखाया अपना विरोध प्रदर्शन।
बड़ी खबर इस वक्त उड़ीसा के भुवन से। विजिलेंस के जाल में करोड़पति पीईओ संतोष साहू फंसा। आय से रहित संपत्ति जमा करने के अभियोग में ढेंकनाल जिला भुवन ब्लॉक दीघी और मटकरगोला पंचायत पीईओ संतोष साहू के घर में विजिलेंस टीम का एक बड़ा छापा। एक साथ हुई 3 जगह छापेमारी। सीधा रुख करेंगे झारखंड की तरफ। बोलबा सिमडेगा से खबर। प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक है जारी। आधा दर्जन किसानों के घर हैं उजाड़े। खबर झारखंड के चतरा से। पिकअप वैन से बिहार भेजे जा रहे हैं 320 पेटी अवैध शराब। इसके साथ ही 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई आई सामने, जिसमें चतरा एसपी राकेश रंजन की रही अहम भूमिका। झारखंड के चाईबासा से खबर। विधायक की पहल पर टोंटो अंचल कार्यालय में हुई संयुक्त बैठक। सीमांकन को लेकर वन पट्टाधिकारियों का विवाद खत्म। सर्वेक्षण कर होगा सीमांकन। खबर पिपराटांड पलामू क्षेत्र से, जहां डीडीसी पलामू मेघा भारद्वाज एकाएक पहुंचे पाकी प्रखंड। पगार खुर्द पंचायत का किया विधिवत तरीके से निरीक्षण। बात बिहार की। सुदर्शन न्यूज चैनल के पत्रकार मनीष कुमार सिंह की निर्मम हत्या को लेकर केसरिया प्रखंड के सभी पत्रकारों ने करी है एक शोक सभा। 2 मिनट का मौन रख दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। बिहार के मधेपुरा से खबर। जिला मुख्यालय बाजार स्थित कॉलेज चौक के समीप टीपी कॉलेज के निकट आतिम सब्जी मंडी आरहत का हुआ उद्घाटन। बिहार के मधेपुरा से बड़ी खबर। पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई आई सामने। डकैती की योजना बनाते हुए 3 युवकों को एक लोडेड देसी पिस्टल और एक लोडेड देसी कट्टा कारतूस एवं मोटरसाइकिल के साथ किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोरिया का मामला। बैकुंठपुर महल पारा मोहरी के वार्ड क्रमांक 9, जहां आज भी मार्ग के नाम पर है सिर्फ दलदल ही दलदल। लोग कर रहे हैं जमकर शिकायत। छत्तीसगढ़ के कोरिया क्षेत्र से खबर। IRAD ऐप प्रारंभ। थाना प्रभारी यातायात एवं विवेचकाओं को दिया गया प्रशिक्षण। सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु भारत सरकार का है यह अथक प्रयास। शिवसेना का अभनपुर में पेट्रोल डीजल में वृद्धि को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन। बाइक को धक्का मारते पूरे नगर में घुमाया। राजस्थान में राजकीय महाविद्यालय में NSUI ने वैक्सीनेशन शिविर लगाया। जिलाध्यक्ष हर्ष मेहरा व NSUI छात्र नेता सत्यवीर यादव के नेतृत्व में किया गया यह वैक्सीनेशन का कार्यक्रम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।